कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला एंड दिस इज पर्वत विष्णु। सो इस वीडियो दे विच अपन डिस्कस करन वाले हां कि 12वीं दा रिजल्ट किस बेसिस ते आएगा। जेड़ा सीबीएसई ने 30-30-40 दा जेड़ा फार्मूला दित्ता सी ओदे हिसाब नाल रिजल्ट जेड़ा ओ किद्दां बनेगा, तां अज मैं तुहानू दस दिंदी आं तुसीं घरे बैठ के आपदा रिजल्ट जेड़ा ओ बना सकदे हो। क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ दे अकॉर्डिंग जेड़ी पीएसईबी ने न्यूज़ आई है लेटेस्ट, जेड़ी मैं कल शाम नू वीडियो अपलोड करके तुहानू दस्सी सी, ओदे विच पी एसईबी जिहड़ा है वह भी सीबीएसई नू फॉलो करेगा। अपने जिहड़े चेयरमैन सी बोर्ड दे उन्होंने कहता सी कि असी पेपर ना करवाउण दी जिहड़ी रिपोर्ट है वह सीएम नू सबमिट करवा दी है। हुण आखिरी फैसला जो होएगा वह सीएम दा होएगा, ठीक है। बाकी सीबीएसई दे पैटर्न दे उपर भी रिपोर्ट बना के जिहड़ी है सीएम नू सौंप दी गई है। हुण सीएम कदों उहदे ते फैसला लैंदे उहदा वेट आपां नू करना पएगा। सो तुसीं किवें रिजल्ट बना सकते हो? देखो, अपने कोल 10वीं दे लगने ने 30% नंबर। आपां एग्जाम्पल लै लैंदे आ, 5 मेन सबजैक्ट्स दे विचों ऑप्शनली 5 मेन सबजैक्ट्स के 3 यहोजे सबजैक्ट जिन्हों में थोड़े वधिया नंबर आए हैं। मान लो मैथ साइंस के एस एस टी के थोड़े वधिया नंबर आए सी तो थोड़े उन्होंने नंबर ही लगनगे, ठीक है। हुण देखो की होया, साइंस के 70 नंबर के थ्यूरी के रिटन पेपर के मान लो थोड़े 66 नंबर आ गए, ठीक है। 70 नंबर के थ्यूरी के पेपर के नंबर लगनगे, सिर्फ प्रैक्टिकल के नहीं लगनगे, 100 के विचों नहीं लगनगे, 70 के विचों लगनगे, ठीक है। सिर्फ थ्यूरी वाले नंबर जिहड़े वो लगनगे। तो 70 के विचों तुहाडे किन्ने आ गए? 66 नंबर आ गए। हुण तुसी 70 का 30% काढ लो, ठीक है। इधर 66 का 30% काढ लो, दोनों के 30-30% कढ़िया, ठीक है। तो 70 का 30% किन्ना आ गया अपने कोल? 21। 70 का 30% अपने कोल आ गया 21, तो 66 का 30% अपने कोल किन्ना आ गया? 19.8। तो तुहाडे टोटल 19.8 नंबर बन गए किन्ने विचों? 21 नंबरां दे विचों, ठीक है। क्लीयर हो गया। उस तो बाद 11वीं दे वी तुहाडे लगने ने 30% नंबर, 30% नंबर लगने ने। हुण मान लो तुहाडे 11वीं आपां कोई भी एग्जाम्पल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी लै लैंदे आ, मान लो तुहाडा कोई 70 नंबर का पेपर सी उहदा तुसीं कढ लिया 30% किन्ना हो गया, ठीक है। 30% कढ लो किन्ना आएगा? 21। ओदे विच भी तुहाडे किन्ने नंबर आ गए? मान लो 60 या 62 नंबर आ गए, 62 नंबर आ गए, 62 दा 30% कढोगे तां तुहाडे कोल बन गया 18.6 नंबर, ठीक है। तो हुण तुहाडे 21 दे विचों किन्ने नंबर आए? 18.6। पहलां किन्ने आए सी? 19.8, ठीक है। हुण देखो, हुण 12वीं दा लगना 40%। 12वीं दा मान लो हुण तुहाडे प्री बोर्ड दे विचों, ठीक है, 12वीं दे प्री बोर्ड दी गल आपां कर रहे हां, 12वीं दे प्री बोर्ड दे विच तुहाडे 70 दे विचों किन्ने नंबर आ गए? 67 नंबर आ गए, ठीक है। हुण 70 दा 40% किन्ना हो गया? 28। 60 दा 40% किन्ना हो गया? 26.8। तो 28 विचों किन्ने नंबर आ गए तुहाडे? 26.8 हो गया। उस तो बाद 12वीं दे प्रैक्टिकल, 12वीं दे प्रैक्टिकल दे नंबर तुहाडे हुण जिहड़े प्रैक्टिकल हो रहे ने ऑनलाइन, ठीक है, जेकर तुहानूं आपदे स्कूल तो मिलता है तो ठीक है, नहीं थोड़े टाइम बाद अपलोड हो ही जाने ने उस साइट ते, तो तुसीं अंदाजे नाल ला सकदे हो। मान लो 30 नंबर दा प्रैक्टिकल सी, किन्ना भी कोई स्कूल जिहड़ा है वो घट लाएगा तो 30 दे विचों 25 नंबर तो लाएगा ही लाएगा, तुसीं अंदाजा ला सकदे हो आपदा, ठीक है। 30 दे विचों 25 नंबर तो बच्चों के लगने ही लगने ने, हाईएसट 30 दे विचों 30 भी लगते हैं पर 25 तो तुहाडे लगणगे ही, ठीक है। कम तो कम जिहड़े 25 आ वो लगणगे, 26 भी हो सकते हैं। सो घट तो घट 25 हो गए, तो 25 किहदे विचों लगे? 30 दे विचों। तो 30 दा 30% काढ लो, ठीक है। 30 दे विचों प्रैक्टिकल दा जिहड़ा परसेंटेज नहीं, सॉरी परसेंटेज नहीं कढ़ना, प्रैक्टिकल दे नंबर सीधे सीधे लगणगे। आ 30 दा 30 हो गया तुहाडा, ठीक है। 30 दा 30 तुसीं इत्थे परसेंटेज नहीं कढ़नी, तो 26 30 दे विचों किन्ने बन गए? 26 या 25 नंबर बन गए, आ एज इट इज़ लिख दो। हुण देखो, 21 21 28 ते 30 इहनां नूं जोड़ दो, टोटल किन्ना बन गया? 100, ठीक है। बाकी जिहड़े तुहाडे बणे आ 19.8, ठीक है, 19.8, 18.6, 26.8 ते 26, ये जोड़ दो, टोटल किन्ने बन गए? 91.2, ठीक है। टोटल 100 दे विचों किन्ने आ गए? 91.2, यानी कि यही तुहाडे जिहड़े आ परसेंटेज बनेगी 91.2 दी, ठीक है। ये मैं तुहानू दस्सदा तुसीं किवें रिजल्ट आपदा फाइंड आउट कर सकते हो, इदां ही तुहाडी 100% जिहड़ी आ ओह रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है। सो मैं आपदे वल्लों ट्राई किया है कि तुहानू पूरा जिहड़ा आ ओह दस्सिया जावे कि किवें तुसीं आपदे हिसाब नाल अंक जिहड़े आ ओह कढ सकते हो। तुहाडे कोल आपदा 10वीं ते 11वीं दा रिजल्ट होएगा, 12वीं दे प्री बोर्ड दे नंबर तुहानू आपदे पता होणगे, स्कूल वालिआं ने दस्से होणगे, प्रैक्टिकल दे विच घट्टों घट तुसीं 25 नंबर ला लो, जिहड़े ज़्यादा होशियार ने ओह 27-28 ला लो,
ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਣਗੇ ਹੀ ਲਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ 30% ਲੱਗੇਗਾ 11ਵੀਂ ਦਾ, 30% ਲੱਗੇਗਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ 40% ਲੱਗੇਗਾ 12ਵੀਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CBSE ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ।